Hello everyone, welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and preparing for your all upcoming examinations. Today we will continue with our current affairs lecture number 25. Okay, in previous lectures I have given you two or three topics as a part of your homework. I hope every one of you is completed the same. Okay, those who have not completed, please keep in mind there's all those topics are very important for our examination. Okay, and why the homework is given? So that you yourself search some topics to get the better idea of that particular topics, and those topics are very easy. Okay, and that's why those topics are given in the homework. So let us start today's lecture with the quote of वॉल्ट डिज्नी. अब वॉल्ट डिज्नी कौन थे ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है. डिज्नी का जो कार्टून कैरेक्टर था वो जिसने क्रिएट किया उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी. तो जब उनके वो आइडिया लेकर जब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास गए तो उनका मजाक उड़ाकर उनको भगा दिया गया. एंड आफ्टर सम टाइम लेटर इन हिज लाइफ पूरी दुनिया को उन्होंने अपने कार्टून कैरेक्टर्स के पीछे पागल बना दिया. सो उन्होंने कहा था, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. जो आपने सोचा है वो आप कर सकोगे. राइट, वॉट एवर यू हैव थॉट फॉर योर सेल्फ यू कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म इट. सो अगर आपने सोचा है कि मैं एक्स वाई जेड एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, नो वन कैन स्टॉप यू. ओके, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. चलिए इसी के साथ आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू रोगन आर्ट गुजरात. और रोगन आर्ट क्यों चर्चा में है आजकल, बिकॉज उसके ऊपर COVID-19 की काफ़ी बुरी असर हमें देखने को मिली है. सो द सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ रोगन आर्ट एंड दैट इज़ हैंड पेंटिंग ऑन क्लोथ इज़ फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज ड्यू टू पेंडेमिक. क्या है ये रोगन आर्ट? सो इन The word Rogan means oil in Persian. और हमें पता है कि गुजराती का जो रूट है, जो मूल है, वो कहाँ पर है? Persian language में है. So the word Rogan means oil in Persian. With origins in Persia, it came to Kutch around 300 years ago. The rare craft is practiced by a lone Muslim family, the Khatris of Nirona village, Gujarat. तो आपको ये village का नाम रखना है क्योंकि ये आजकल news में है. ओके, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये देखा गया है, तो हो सकता है कि आपको पूछा जा सके एग्ज़ाम में. निरोना विलेज गुजरात. ओके, एंड हियर इज़ दी पीस ऑफ दी रोगन आर्ट. ओके, एंड दिस इज़ दी मोस्ट फेमस डिज़ाइन अंडर दी रोगन आर्ट. टेक्निक क्या है? सो रोगन इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल पेंटिंग विच यूज़ अ रिच ब्राइटली कलर्ड पेंट मेड फ्रॉम कैस्टर ऑयल एंड नेचुरल कलर्स. कैस्टर इज़ अ crop commonly grown in Kutch region of Gujarat and the artist source is from the local farmers. तो जो source है उसको इस्तेमाल करके ये paintings बनाए जाते हैं. तो patterns क्या होगी? So the intricate motifs, geometric flowers, peacocks, the tree of life, etc. drawn from the history and folk culture of the Kutch region. Okay, Kutch का जो embroidery है that is world famous. जब रणोत्सव होता है स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर डिसंबर टिल मार्च, राइट, तो रणोत्सव में पूरा एक कच्छ का जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट गवर्नमेंट करती है वहाँ पे. प्रोसेस क्या होगा? सो द कैस्टर पेस्ट इज़ मिक्सड विथ नेचुरल कलर्स एंड देन इज़ ड्रॉन आउट इनटू अ फाइन थ्रेड विथ अ मेटल स्टीलस और कलम. दिस मेटल रोड नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फैब्रिक. अब देखिए ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज देर आर वेरी लेस फैमिलीज, काफ़ी कम फैमिलीज बचे हुए हैं जो कि ये रोगन आर्ट को ज़िंदा रखे हुए है. एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड टू कीप इट गोइंग. उसको लाइव रखने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रयत्न कर रही है. रिकग्निशन क्या है? सो द ट्री ऑफ लाइफ डिज़ाइन इज़ द मोस्ट फेमस डिज़ाइन इन रोगन पेंटिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ये स्लाइड में बता दिया है. ओके, इट इज़ इंस्पायर्ड बाई ट्रेडिशनल पर्शियन डिज़ाइंस. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गिफ्टेड रोगन पेंटिंग्स टू द USA प्रेसिडेंट बराक ओबामा ड्यूरिंग हिज विजिट टू द USA इन 2014. ओके, और जब प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई टॉपिक जुड़ा हुआ है दैट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू अस. The nine artists from the Khatri family have 6 national awards and 6 states awards between them. तो देखिए 9 या काफ़ी कम गिने चुने आर्टिस्ट बचे हुए हैं जो आजकल ये रोगन पेंटिंग कर दें. अब क्योंकि COVID-19 की वजह से सारे मार्केट्स बंद है,
और उसकी वजह से ये जो फैमिलीज है उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे उनको मदद की है। एंड दीज आर अदर इम्पोर्टेंट पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया। ओके, सारी नहीं है बट जो मेजर पेंटिंग स्टाइल्स है वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है। कांगरा मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पट्टचित्र पेंटिंग फ्रॉम ओडिशा, थंजावुर पेंटिंग फ्रॉम तमिलनाडु, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान। ओके, जो बानी ठानी पेंटिंग्स जिसको हम बोलेंगे तो वो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग क्लास से आती है। कलमकारी पेंटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मधुबनी फ्रॉम बिहार एंड वारली पेंटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। वारली यू कैन ऑल्सो सी इन सम एरियाज ऑफ सदर्न गुजरात। ओके, जहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर के जो एरियाज है, इंटीरियर गांव है, वहाँ पे घरों के बाहर आपको वारली पेंटिंग देखने को आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारी पेंटिंग्स के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। दिस टॉपिक इज़ ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी कवर्ड इन योर कल्चरल सब्जेक्ट, राइट? आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में ये ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि फिशरीज के साथ जुड़ा हुआ ये जो योजना है वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया है। सो रिसेंटली दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हैज़ बीन डिजिटली लॉन्च्ड। सेवरल अदर इनिशिएटिव्स इन द फिशरीज, फिशरीज़ का मतलब है मत्स्योद्योग। ओके, जहाँ मछलियों का लालन पालन किया जाएगा, मत्स्योद्योग। सेवरल अदर इनिशिएटिव्स इन द फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी का मतलब क्या है कि जो भी उद्योग पशुओं के साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से, राइट? डेयरी उद्योग हो गया या पोल्ट्री फार्म हो गया, तो ये सारे जो उद्योग है दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। सेवरल अदर इनिशिएटिव्स इन द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स हैव आल्सो बीन लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन। तो मत्स्य संपदा योजना के साथ काफ़ी सारे पैकेज फॉर फिशरीज, जो एग्जिस्टिंग फिशरीज इंडस्ट्रीज है और एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए जो भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए वो पैकेज लॉन्च किए गए हैं। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम फॉर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। एंड क्यों हम मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इन द फिशरीज इंडस्ट्री? बिकॉज गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ओके, वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक, हमारे 9 स्टेट जो है वो कोस्टल स्टेट्स है। एंड दैट्स वाई ये जो फिशरीज़ का जो इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू आर लोकल इकोनॉमी एज वेल एज स्टेट इकोनॉमी। सो इट एम्स टू अडॉप्ट क्लस्टर ऑफ एरिया बेस्ड अप्रोचेज एंड क्रिएट फिशरीज क्लस्टर्स थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। देखिए आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट अलग अलग क्लस्टर खड़े कर रही है कि अगर कोई एरिया किसी एक चीज़ के लिए फेमस है तो उसको सारी सुविधाएं वहाँ पे दे दी जाएगी ताकि उसको कोई कमी ना रहे इंडस्ट्री को बूस्टअप करने में, राइट? अभी गुजरात में बाम्बू क्लस्टर मिला है। ओके, अगर आपको टाइम मिले तो इसको आप उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, राइट? कि वाटर बाम्बू क्लस्टर्स, तो ऐसे 6 या 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बाम्बू क्लस्टर्स बनाए। अब क्यों वो 7 स्टेट्स में ही बाम्बू क्लस्टर्स बनाए गए? क्योंकि वो 7 स्टेट्स बाम्बू की जो फार्मिंग है, राइट, तो बाम्बू की फार्मिंग में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड दैट्स वाई सम ऑफ द एरियाज आर रिकग्नाइज्ड एज बाम्बू क्लस्टर्स। सो सेम चीज़ यहाँ पे की गई है, अडॉप्ट क्लस्टर्स और एरिया बेस्ड अप्रोचेस। ओके, अब जो प्रॉब्लम मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश की फिशरीज इंडस्ट्री को आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो गुजरात की फिशरीज इंडस्ट्री को भी आ रहा हो। तो एरिया बेस्ड अप्रोच कब सॉल्व किया जाएगा? जब वो आप एक क्लस्टर छोटे छोटे बना लीजिए। अडॉप्ट क्लस्टर, मान लीजिए कि कोई 40 बच्चों का क्लास है, अब 40 बच्चों को एक साथ मैनेज करना इज क्वाइट डिफ़िकल्ट, राइट? अगर एक ही टीचर है तो क्या हो जाएगा कि टीचर 10 मॉनिटर बना देगी और 10 मॉनिटर बना के 4-4 के ग्रुप में सब बच्चों को बांट दिया जाएगा। ओके, ताकि जब डिफ़िकल्टी सॉल्व करने की बारी आएगी तो वो मॉनिटर या जो भी एक कोई स्टूडेंट है जो कि हेड है, वो सारे बाकी के 3 लोगों के जो डिस्प्यूट है या इश्यूज है उसको सॉल्व कर पाए। इसे देखिए टीचर का काम क्या हुआ,
आसान हो गई और मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वैसी ही चीज़ें नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे की जाएगी। फोकस स्पेशली ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ सच एज स्यूड एंड ऑर्नामेंटल फिश कल्टिवेशन। तो फिश कल्टिवेशन से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए उस पर फोकस किया जाएगा। एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वैल्यू चेन, ट्रेसेबिलिटी, एस्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड फिशर्स वेलफेयर। तो जो मछुआरा है उस मछुआरे को किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया जाए, उसका लिविंग जो उसका जो लाइफ है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके साथ साथ जो पूरी इंडस्ट्रीज है, जो लोकल इंडस्ट्री और जितने भी और इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं इसके साथ, उसको कैसे बूस्टअप किया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उसके जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाएगा। कंसोलिडेट द अचीवमेंट्स ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन एंड ब्रिंग न्यू इंटरवेंशंस सच एज फिशिंग वेसल इंश्योरेंस, सपोर्ट फॉर न्यू अपग्रेडेशन ऑफ फिशिंग वेसल्स, बोट्स, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स, ई ट्रेडिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। टारगेट क्या रहेगा इसके लिए मत्स्य संपदा योजना का? सो एनहेंस फिश प्रोडक्शन बाय एन एडिशनल 70 लाख टन एंड इंक्रीज फिशरीज एक्सपोर्ट अर्निंग्स टू ₹1 लाख करोड़ बाय 2024-25। डबल द इनकम ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम 20-25% टू अबाउट 10%। लॉसेज जैसे कम हो जाएंगे तो आपका जो मुनाफा है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जनरेट एन एडिशनल 55 लाख डिरेक्ट एंड इनडिरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फिशरीज सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो फिशरीज डिरेक्टली और उसके इनडिरेक्टली जितने भी काम उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख जितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का टारगेट गवर्नमेंट का है आने वाले 4 से 5 सालों में। कितना बजट इसके लिए दिया गया है? सो एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2020-21 टू फिनेंशियल ईयर 24-25 इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आने वाले 5 सालों में देखिए 20,000 करोड़ रुपए जितनी रकम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज एन अम्ब्रेला स्कीम विथ 2 सेपरेट कंपोनेंट्स। ओके, तो 2 सब स्कीम होगी इसके अंडर। और क्या है? तो एक होगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड नेक्स्ट होगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब देखिए फर्क क्या है यहाँ पे, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होगा, सो द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कब? जब वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, केंद्र सरकार की अगर परियोजना होगी तो। नेक्स्ट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि पार्शियली, ओके, 10%, 20%, 30% या 50% जो पैसा है वो किसकी तरफ से दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। एंड अदर पोर्शन जो है 50%, 60% जो पैसा है वो दिया जाएगा रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, सो ऑल दी सब कंपोनेंट्स एक्टिविटीज विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई दी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड दी कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो अंडर मत्स्य संपदा योजना देर आर मल्टीपल अदर स्कीम्स विल बी लॉन्च्ड इन कमिंग टाइम। ओके, तो जिस हिसाब से वो योजना होगी उस हिसाब से वो या तो वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होगी या तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। बट जो टोटल बजट होगा आने वाले 5 सालों के लिए वो कितना होगा? 20,000 करोड़ रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपये जितना बजट आने वाले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसको दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। सो हमारा जो कैबिनेट है उन्होंने FDI पॉलिसी चेंज की है फॉर द डिफेंस सेक्टर। नाउ वॉट इज FDI? सो FDI इज फॉरेन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू फॉरेन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि अगर बाहर का कोई इंसान या बाहर का कोई इन्वेस्टर या बाहर की कोई कंपनी जब आके इंडिया में अपने पैसे इन्वेस्ट करेगी
तो उसको क्या कहा जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। और अब आने वाले टाइम में तो हमने चाइना से जो सारा इन्वेस्टमेंट, लुकिंग एट द करंट सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो नाउ हम जोर किस पे दे रहे हैं आने वाले टाइम में, आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। अब तक हम क्या करते थे कि फॉरेन की कंपनी यहाँ पे आती भी थी तो ज़रूरी नहीं थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाए। कई कंपनियाँ सिर्फ अपने असेंबल प्लांट यहाँ पे लगा के पैसा कमा लेती थी। तो असेंबलिंग प्लांट जब लगाया जाता था तो दिक्कत क्या होती थी कि जितना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट नहीं होता था टू दैट पर्टिकुलर एरिया। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को जितना मुनाफा होना चाहिए या जो लोकल लोगों को जितना मुनाफा होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं हो रहा था। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चाइना ने सालों पहले अपनाई थी वही पॉलिसी अब गवर्नमेंट अपना रहा है कि सस्ते भाव में ज़मीन दे दी जाएगी, बिजली दे दी जाएगी, टैक्स में छूट छाट दे दी जाएगी। और उनको ये कहा जाएगा कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया तो आपको कंपलसरी मेजर प्लांट इंडिया में लगाना होगा। अब जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगेगा तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो रेशियो है वो आने वाले सालों में आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, वो बढ़ता हुआ दिखेगा, एंड दैट इज़ द एम ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो जो भी फॉरेन कंपनी अब यहाँ पे आएगी वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन कंपनी में पैसा लगाया और पैसा कमा के करेंसी को बाहर ले गए, वो चीज़ अब बंद हो जाएगी। दे हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे हैव टू बाई इन इंडिया, दे हैव टू सेल इन इंडिया। तो ये चीज़ आने वाले समय में होने वाली है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द डिफेंस सेक्टर विच अलाउज FDI थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 49% टू 74%। अभी तक देखिए, अभी तक क्या था, ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाता था अगर किसी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन की किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर 49% तक हो। जैसे ही वो 15% या 51% या अबोव 50% गया तो आपको गवर्नमेंट रूट से जाना पड़ता था, गवर्नमेंट से आपको काफ़ी सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे। तो उस लिमिट को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 74%। मीनिंग अगर आपकी कंपनी में अगर 74% तक फॉरेन की कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो आपको डायरेक्टली अप्रूवल दे दिया जाएगा। आपको गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल प्रोसेस, लॉन्ग अप्रूवल प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अर्लियर द डिफेंस इंडस्ट्री कैन ब्रिंग FDI अप टू 49% अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड अबोव इट इट विल गो थ्रू द गवर्नमेंट रूट। ओके, तो वो कैप अब बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आपको सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि अंडर न्यू FDI पॉलिसी डिफेंस में कितना FDI अलाउड है। तो ये 49 भी दिया जाएगा, 74 भी दिया जाएगा, 73 दिया जाएगा एंड 100% आपको दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि द आंसर इज 74%। हाउएवर द न्यू पॉलिसी हैज़ अ नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज। अब देखिए, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज क्यों जोड़ा गया है यहाँ पे, बिकॉज वी आर डीलिंग इन डिफेंस सेक्टर, राइट। एंड दैट्स वाई नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज एज अ कंडीशन विच हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ FDI क्या है, तो दिस इज़ फॉर योर एक्स्ट्रा स्टफ, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ मैंने यहाँ पे दी हुई है। FDI इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल, ठीक है। देखिए, वो कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई बड़ा इन्वेस्टर भी हो सकता है, इन वन कंट्री इन टू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। जनरली FDI टेक्स प्लेस व्हेन एन इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस और अक्वायर्स फॉरेन बिजनेस असेट्स इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग ओनरशिप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग है, वहाँ पे आप क्या करोगे, आपने सिर्फ कोई कंपनी जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है उसमें आपने क्या किया, इक्विटी शेयर खरीद लिए और आप किसी और कंट्री में बैठे हो। यू आर नॉट लुकिंग ऑन ऑपरेशंस कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी क्या काम कर रही है, दैट इज़ नॉट कंसर्न ऑफ द FPI इन्वेस्टर। ओके, वो सिंपल शेयर मार्केट जैसा सिनारियो वहाँ पे देखने को मिलेगा, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। डायरेक्ट आपका ऑपरेशन पे ध्यान रहेगा, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
मुझे एक्सपांड करना है तो कैसे एक्सपांड करना है, ये सारी चीज़ें विल कम अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम FPI वेयर द फॉरेन एंटिटी मेयरली बाइज इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी. FPI डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द कंट्रोल ओवर द बिजनेस. ओके, FPI में इन्वेस्टर को कोई कंट्रोल नहीं दिया जाएगा. रूट्स थ्रू विच इंडिया गेट्स FDI, तो एक हो गया ऑटोमेटिक रूट. अब देखिए, हर सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट का जो कैप है वो अलग अलग है. रिटेल में FDI अलग है, एविएशन सेक्टर में FDI का जो कैप है, लिमिट जो है, कैप इज़ द लिमिट, वो अलग है. डिफेंस में अभी बढ़ाकर 74% कर दिया गया है. तो सेक्टर वाइज गवर्नमेंट विल डिसाइड कि भाई कहाँ कौन से सेक्टर में FDI ज़्यादा आ सकता है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा लाने की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन गवर्नमेंट प्लानिंग FDI ज़्यादा या कम सेक्टर वाइज हो सकता है. अब देखिए, टेली कम्युनिकेशन में धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ा रही है. एप्पल है, सैमसंग है, ये सारी कंपनीज धीरे धीरे में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि चाइना में थे उसको हटाकर इंडिया में प्लांट वो ला रही है. ई कॉमर्स में आपको FDI ज़्यादा देखने को मिल रहा है. लाइट अमेजोन आ गया है, ईबे आ चुका है, बाकी सारी जो इंटरनेशनल कंपनी है वो आने वाले समय में हमें आती हुई दिखेगी. तो अलग अलग सेक्टर में जो लिमिट है FDI का वो अलग अलग हो सकता है. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट रूट. सो इन दिस द फॉरेन एंटिटी हैज़ टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल फैसिलिटेट्स द सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ एप्लीकेशंस विच आर थ्रू अप्रूवल रूट. तो ये गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा काम कर दिया है कि पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट क्यों हमारे यहाँ कम आता था, क्योंकि पहले 10 जगह मुझे अप्रूवल के लिए जाना पड़ता था, और 10 जगह जाने का मतलब है कि मुझे 10 जगह रिश्वत देनी पड़ती थी. अब सारी चीज़ें एक तो ऑनलाइन हो गई है, एक टाइम विंडो डिसाइड कर लिया गया है कि अगर 1 तारीख को कोई एप्लीकेशन आता है तो 30 दिन या 60 दिन या 3 महीनों के अंदर उस एप्लीकेशन पे अपडेट जाना चाहिए, या तो वो क्लियर होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए. तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उसका एक ट्रस्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट के प्रति और इंडियन मार्केट में, वो धीरे धीरे क्या हुआ है, बड़ा है, बिल्डअप हुआ है. एंड दैट्स वाई वी आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग अवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दिस पोर्टल इज एडमिनिस्टर्ड बाई द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड. तो देखिए, DPIIT जनरली हर कंट्री में जाके प्रमोशन कर दिया कि आप आइए हमारे यहाँ और बिजनेस कीजिए, हमारे यहाँ इतने 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 फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी. एंड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके, तो ये हो गया आपका FDI के बारे में जो जानकारी देनी थी वो. नेक्स्ट टॉपिक है दैट ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द होमवर्क, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स ऑफ द स्टेट्स. और वो पब्लिश किसने की है, पब्लिश किए हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT. सो रिसेंटली द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज्ड द 4th edition ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स बेस्ड ऑन द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान. ओके, ब्रैप का क्या मतलब है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, के किस तरीके से हर स्टेट काम कर रहा है टू अट्रैक्ट बिजनेस, टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज टूवर्ड्स देम. ओके, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे स्टेट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री को अपने यहाँ पे खींचने में काफ़ी अच्छा काम करते हैं. एंड बेसिकली ये स्टार्ट करने का एम क्या था कि ताकि स्टेट्स के बीच एक हेल्दी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाए. ओके, अगर वेस्ट बंगाल बोल रहा है कि मैं 10% में आपको ज़मीन दे रहा हूँ, तो सामने गुजरात तुरंत बोलेगा कि मेरे यहाँ आइए, मैं आपको 9% में ज़मीन दे दूँगा. राइट, तो सब ये जब ये सारी चीज़ें होगी तो हर एरिया का जो डेवलपमेंट है वो ढंग से होगा. इंडस्ट्री आएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आएंगे, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और देश का GDP धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. सो ये जो रैंकिंग है 2020 की जो रैंकिंग है डूइंग ease of doing business ranking, Andhra Pradesh has topped the rankings followed by Uttar Pradesh, Telangana. See, Uttar Pradesh is the surprising entry actually. अब तक उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे रहता था रैंकिंग में. ओके, बट उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी जंप लगा कर वो सेकेंड रैंकिंग पर पहुँचा है. आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड झारखंड आर टॉप 5.
त्रिपुरा सिक्किम ओडिशा वर दी वर्स्ट परफॉर्मर्स. आंध्र प्रदेश हैज़ अचीव्ड 100% कंप्लायंस विथ ब्रैप. इट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू टेक मेजर्स टू रिवाइव द इकोनॉमी हिट बाय द ग्लोबल पेंडेमिक एंड रिवाइव द स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज विथ अ रीस्टार्ट पैकेज. तो आंध्र प्रदेश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रीस्टार्ट पैकेज था उसको वहाँ पे अच्छी तरह से अप्लीकेबल किया गया. एंड देर आर सो मेनी स्टेट लेवल स्कीम्स जो कि रिस्टार्ट पैकेज के अंडर में स्टार्ट की गई है. द रिस्टार्ट पैकेज इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ सेंक्शन्ड इंसेंटिव्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस एट्सेट्रा टू MSME यूनिट्स. और देखिए, जब तक MSME को हम खड़ा नहीं कर पाएंगे तब तक हम ग्लोबल पेंडेमिक की इफेक्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे. वाई सो? बिकॉज MSME इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ मेजर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, आपका कोई छोटा कपड़े बनाने का अगर फैक्ट्री हो, उससे लेकर बड़े से बड़ा एविएशन सेक्टर बनाने का जो फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, वो भी आपका कहाँ पे काउंट होगा? MSME यूनिट में काउंट होगा. ओके, एंड दीज आर दी रैंकिंग. टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने. गुजरात का रैंकिंग आपको स्पेशली याद रखना है, ओके, जो कि है 10th पोजिशन पे. सो गुजरात भी सरप्राइजिंगली टॉप 10 में तो आ चुका है, बट पहले हम जब स्टार्ट हुआ ये रैंकिंग, सो वी वर ऑलवेज बी इन टॉप 5. ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. बट क्योंकि गुजरात के पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि गुजरात ने बुरा काम किया है, क्योंकि अब देर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स. तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे जो स्टेट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे आर ऑन टॉप. एंड गुजरात की रैंकिंग पीछे गई है ऑन 10th. एंड दीज आर दी वर्स्ट परफॉर्मर्स, ओडिशा, सिक्किम एंड त्रिपुरा. त्रिपुरा इज़ दी लास्ट वन. तो ये रैंकिंग आपको याद रखने. देखिए, सारे यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल दोज हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सारे एक ही रैंकिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. ओके, और देखिए यहाँ पे ये उसकी रैंकिंग है. तो गुजरात इज़ ऑन 10th पोजिशन. ओके, नाउ व्हाट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? नाम से ही पता चल रहा है. इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट इन द स्टेट्स. रैंकिंग ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज डन बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रैप बाय देम. ओके, नाउ व्हाट इज़ ब्रैप? सो इट वॉज लॉन्च इन 2015. ब्रैप 2019 कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 80 रिफॉर्म्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई 19 स्टेट डिपार्टमेंट्स. दीज रिफॉर्म्स कवर 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज सच एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, एनवायरमेंट एट्सेट्रा. अधिक गुजरात में अगर आपको पता हो तो गुजरात में पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं, राइट? सो अगर रैंकिंग होती भी है, मेजरमेंट होता भी है, तो गुजरात ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुका है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स. दिस वुड हेल्प इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इंक्रीजिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ईच स्टेट. बैकग्राउंड क्या है इसका? सो इंडिया रैंक्ड 63rd आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन डूइंग बिजनेस 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. बट क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ओके, वी आर इन टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, बट हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग है वो टॉप 50 में भी नहीं है. तो गवर्नमेंट इस पर काम करना चाहती है कि वी शुड बी एटलीस्ट इन टॉप 20 और टॉप 30, राइट? सो दिस वॉज अ जम्प ऑफ 79 प्लेसेस सिंस 2014 ड्यू टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस देन इंक्लूडिंग ब्रैप. तो देखिए, 63rd पे हम लोग आ चुके हैं इन 2019, जो कि जंप है 79 प्लेसेस का. सो वी वर ऑन 130, 140, वहाँ से उठकर हम कहाँ आ गए हैं? 63rd पे. द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 प्रोवाइड्स एन असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस एंड देयर एनफोर्समेंट अक्रॉस 190 इकोनॉमीज ऑन 10 पैरामीटर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल. तो बिजनेस स्टार्ट होने से लेकर बिजनेस के सर्वाइव करने तक और बिजनेस के ग्रो करने तक सारे जो पैरामीटर्स, पॉसिबल पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं इन दी मेजरमेंट. ओके, तो ये था हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि ऑलरेडी होमवर्क टॉपिक था, बट मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था आई हैव कवर्ड इट. नेक्स्ट इज़ इंडिया जापान लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट. USA के बाद 2019 में हमने USA के साथ
लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट किए। तो लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट क्या होता है कि हम एक दूसरे की नेवी या एक दूसरे की मिलिट्री जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो 2019 में हमने यूएसए के साथ जो तीन मेजर अग्रीमेंट थे वो साइन कर लिए थे, एक अग्रीमेंट जो है वो अभी बाकी है। रिसेंटली इंडिया एंड जापान साइंड अ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट दैट विल अलाउ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ बोथ साइड्स टू कोऑर्डिनेट क्लोजली इन सर्विस एंड सप्लाईज। एक दूसरे के आर्मी स्टेशन या मरीन स्टेशंस जो है वो यूज़ कर सकेंगे, वेसल्स यूज़ कर सकेंगे, ओके। द अग्रीमेंट इज़ नोन एज एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट, ACSA, ओके। इसके साथ मैं आपको होमवर्क में टॉपिक दे रहा हूँ, यूएसए के साथ जो चार अग्रीमेंट है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो एक बार आपको पढ़ के मुझे बताना है कि उसके क्या क्या नाम है, ओके। इंडिया हैज़ सिमिलर अग्रीमेंट्स विथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान एंड सिंगापुर। तो जापान के साथ क्योंकि हम काउंटर कर रहे हैं किसको, चाइना को, एवरीवेयर, ओके। डिप्लोमेटिक तरीके से भी हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, इंडियन ओशन में भी चाइना को काउंटर किया जा रहा है। तो इसलिए सारे कंट्रीज़ धीरे धीरे अब एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं जस्ट टू काउंटर चाइना। एग्रीमेंट क्या होगा, सो इट इज़ एम्ड एट अ ग्रेटर मैरिटाइम कोऑपरेशन एंड कैन अपग्रेड इंडिया जापान नेवल एक्सरसाइजेज एज बोथ कंट्रीज़ आर एक्सपेक्टेड टू शेयर मैरिटाइम फैसिलिटीज़ फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। और बेसिकली इससे दर्द किसको होगा, चाइना को होगा, इन द एरिया ऑफ साउथ चाइना सी। इट एस्टैब्लिशेस द अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्रीज इन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज वाइल एंगेज्ड इन बायलेटरल ट्रेनिंग एक्टिविटीज, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल रिलीफ एंड अदर म्यूचुअली अग्रीड एक्टिविटीज। तो जो काम हम यूएस मिलिट्री या यूएस नेवी के साथ, ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ करते थे, वैसा ही काम अब हम जापान नेवी के साथ भी स्टार्ट करेंगे। दी सप्लाइज एंड सर्विसेज इंक्लूड फूड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एयरलिफ्ट, पेट्रोलियम, क्लोथिंग, कम्युनिकेशन एंड मेडिकल सर्विसेज एट्सेट्रा। इट विल ऑल्सो एनहांस द इंटर ऑपरेबिलिटी, असिस्ट इन मेंटेनिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड फर्दर इंक्रीज the bilateral defense engagements between the two countries. It will remain in force for 10 years and will be automatically extended for periods of 10 years unless one of the parties decides to end it, which is very unlikely, okay. India aur Japan ke jo relation hai wo after 2014 kafi hi acche hue hai. Chaliye isse aur ek cheez main aapko iske sath jod deta hu. You have to tell me that, अभी मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ के चलते प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। अब उनकी जगह आज ही ऑन 15th ऑफ सेप्टेम्बर जापान ने अपने नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर लिया है। तो उनका नाम आपको मुझे बताना है क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आने वाली कोई भी 1, 2, 3, 4 क्लास 1, 2, 3, 4 एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और पुराने का भी आपको नाम पूछा जा सकता है कि उनका नाम बताए जिन्होंने अभी अभी रिज़ाइन किया है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, शिंजो आबे हु हैज़ रिसेंटली रिज़ाइंड, और उसकी जगह आपको मुझे ढूंढ के बताना है कि कौन नए इलेक्ट हुए हैं, ओके। तो 10 साल तक ये रहेगा और जब तक दोनों में से कोई एक पार्टी, इंडिया या जापान, इसको एंड नहीं करेगी तो वो ऑटोमेटिकली आने वाले 10 सालों के लिए, और 10 सालों के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। द एग्रीमेंट इज़ बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ कमिंग टुगेदर ऑफ जापान एंड इंडिया व्हेन इंडिया इज़ हैविंग अ बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना एट LAC इन ईस्टर्न लद्दाख एंड जापान इज़ हैविंग स्टैंड ऑफ एट साउथ चाइना जी, ओके। जो कि काफ़ी सालों से वो स्टैंड ऑफ चला आ रहा है। और इंडिया जापान डिफेंस कोऑपरेशन क्या है पिछले कुछ सालों में, सो इन 2019 इंडिया एंड जापान हेल्ड द फर्स्ट एवर मिनिस्टरियल लेवल 2+2 डायलॉग। दिस डायलॉग इन्वॉल्व्स द डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन बोथ साइड्स एंड इज सीन एज एन एंडोर्समेंट ऑफ द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। बोथ नेशंस शेयर अ फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूरल rules based Indo-Pacific region in which the principles of sovereignty and territorial integrity are ensured. India and Japan Defense Forces organize a series of a bilateral exercise, namely GMEX. Okay, we already know about all of this. GMEX, jo ki hai naval exercise, Shinyu Maitri,
जो कि है एयरफोर्स एक्सरसाइज, एंड धर्मा गार्डियन जो कि है मिलिट्री एक्सरसाइज। बोथ कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मालाबार एक्सरसाइज विद द यूएसए। तो मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। ओके, बोथ द कंट्रीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में, रिवाइव हुआ वो 2017 में जो शिंजो आबे ने किया था, राइट। और 2017 में ये डिसाइड हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान ये चारों मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे और हर साल इसकी मीटिंग करेंगे ताकि क्वाड को एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंडियन पोस्ट। सो इंडियन पोस्ट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसको नाम दिया गया है फाइव स्टार विलेज स्कीम। ओके, और ये लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट ने। अब देखिए, देर आर सेवरल इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट और इंडियन पोस्ट। ओके, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटीज़ है या जो भी स्कीम्स है जो कि पोस्ट में चलती है, अब वो सारी सुविधाएं अब तक छोटे गांवों तक, इंटीरियर विलेजेस तक नहीं पहुंच पाई है। एक या दो पहुंची है, बट पाँचों जो मेजर स्कीम्स है वो सारे जगह नहीं पहुंच पाई है। तो अंडर दिस फाइव स्टार विलेज स्कीम इंडियन पोस्ट एम्स टू रीच दोज इंटीरियर विलेजेस। ओके, सो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड फाइव स्टार विलेजेस। दिस स्कीम सीक्स टू ब्रिज द गैप्स इन पब्लिक अवेयरनेस एंड रीच ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एस्पेशली इन इंटीरियर विलेजेस ऑफ इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। अब देखिए, लोग पोस्ट में क्यों पैसा डालते हैं? क्योंकि पोस्ट जो आपको रिटर्न देता है वो यूजुअली बैंक से ज़्यादा होता है, एंड इट इज़ अ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो दैट्स वाई जो रूरल जो लोग हैं हमारे यहाँ के, जिनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है, वो इंडियन पोस्ट में पैसा डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, थ्री कंपोनेंट्स है बेसिकली। सो पहला कंपोनेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबिलिटी। तो पहला तो जो स्कीम है वो वहाँ उस गांव में अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विस पब्लिसिटी। ओके, तो अगर है उस गांव में तो उसके आसपास के जो भी छोटे गांव हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने हमारे लिए पोस्ट में बना के रखा है, इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी बेटी के लिए या अपने लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, एट्सेट्रा। एंड थर्ड इज़ सर्विस मार्केटिंग, राइट। तो उसका मार्केटिंग भी अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। वन स्टॉप सेंटर क्या हो गया? सो ब्रांच ऑफिस विल फंक्शन एज वन स्टॉप शॉप्स टू केटर ऑल पोस्ट ऑफिस रिलेटेड नीड्स टू दी विलेजर्स। और देखिए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक पोस्ट ऑफिस आपको हमेशा देखने को मिलेगी। एटीएम चाहे ना हो या बैंक चाहे ना हो, बट पोस्ट ऑफिस आपको हमेशा देखने को मिलेगी, एंड दैट इज़ द यू नो स्पैन ऑफ द इंडियन पोस्ट। स्कीम्स कौन सी इस फाइव स्टार विलेज स्कीम में कवर की गई है? जो भी फ्लैगशिप जो मेजर स्कीम है उनको यहाँ पे कवर किया गया है। दोज आर सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, एनएससी एंड केवीपी सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि जो योजना एंड पीपीएफ अकाउंट्स, फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट लिंक्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड फाइनलिस प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना अकाउंट एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट। तो ये पांच सुविधाएं बेसिकली हर गांव में हर सिटीजन तक पहुंचाई जाएगी। अब रेटिंग सिस्टम, फाइव स्टार इज़ अ रेटिंग, तो कैसे वो रेटिंग तय किया जाएगा कि ये गाँव एक स्टार है या ये गाँव टू स्टार है? तो वन स्कीम इज़ इक्वल टू वन स्टार ऑफ रेटिंग, and that's why the name is given as five star rating scheme. Therefore, if a village attains universal coverage for four schemes from the above list, then that village gets four star status and so on. Pilot implementation kya hoga? So the scheme is being launched on pilot basis in Maharashtra. Based on the experience here, it will be implemented nationwide. To aane wale time mein Maharashtra ke har gaon mein jo interior gaon hai, आदिवासी गांव जो है, वहाँ पे भी ये योजना लागू की जाएगी, और वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिलता है उसके हिसाब से पूरे देश में नेशन वाइड आने वाले एक साल में, दो साल में फेज़ में इसको
इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई द टीम ऑफ 5 ग्रामीण डाक सेवक्स हु विल बी असाइंड अ विलेज फॉर मार्केटिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सेविंग्स एंड इंश्योरेंस स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दिस टीम विल बी हेडेड बाई द ब्रांच पोस्ट मास्टर ऑफ द कंसर्न्ड ब्रांच ऑफिस। मेल ओवरसीज विल कीप पर्सनल वॉच ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द टीम ऑन अ डेली बेसिस। राइट, जैसे बैंक में से आपको लोन के लिए कॉल आता है तो अब महाराष्ट्र के गाँव में लोगों को घर घर जाकर या फ़ोन के थ्रू ये समझाया जाएगा कि दीज आर दी बेनिफिशियरी स्कीम्स और ये अगर आप लोगे तो आपको आने वाले सालों में अच्छा उसका रिटर्न मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्कीम है, ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सो इंडिया पोस्ट हैज़ बीन सर्विंग द पीपल इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे इन द डिफिकल्ट सिचुएशन विच हैज़ इमर्ज ड्यू टू COVID-19 बाई ब्रिंगिंग देम मेडिसिन एंड फिनेंशियल असिस्टेंस। राइट, द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ बीन प्लेइंग अ मेजर रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लेवरेजिंग द इमेंस स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वास्ट नेटवर्क। कहा ना मैंने कि जहाँ तक प्राइवेट बैंक नहीं पहुँच पाया है वहाँ भी आपका इंडियन पोस्ट पहुँच चुका है। ओके, जस्ट लाइक SBI। ओके, SBI हर गाँव में आपको मिलेगी। पोस्टल स्कीम्स आर नोन फॉर प्रोवाइडिंग हाईली सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, दे प्रोवाइड हायर रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट विथ लो रिस्क। तो बैंक के मुकाबले भी आपको रिटर्न पोस्ट में ज़्यादा मिलेगा। दी वे टू रियलाइज द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज थ्रू कोलोबरेटिव एफर्ट्स सच एज दिस वेर इन वेरियस स्कीम्स हैव बीन ब्रॉट टूगेदर अंडर वन अम्ब्रेला विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोस्ट में अपने पैसे डालेंगे वो सीधा पैसा कहाँ पहुँचेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उन पैसों का इस्तेमाल और फ्लैगशिप स्कीम्स में करेंगी, MSME सेक्टर में करेगी या जो IT सेक्टर में करेगी, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट वॉन्ट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोस्ट के साथ जुड़े। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ नोन एज सरोद पोर्ट्स, जो कि बेसिकली है एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जहाँ पे लोगों का आपस में कंपनियों का, गवर्नमेंट का, प्राइवेट कंपनियों के साथ जो डिस्प्यूट चलते हैं, ओके, जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व किया जाएगा और उसको नाम दिया गया है सरोद पोर्ट्स। अब देखिए पोर्ट्स से आपको पता चलेगा कि ये कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि पोर्ट्स है हमारे, जो कि बंदर है। राइट, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, लक्षद्वीप से लेकर आंदमान निकोबार तक, तो वहाँ पे ये लागू किया जाएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लॉन्च्ड सरोद पोर्ट्स एंड दैट इज नोन एज सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। ओके, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। जनरली क्या होता है, अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म ना हो, ऐसा कोई बॉडी ना हो, मीडिएटर अगर कोई ना हो, तो XYZ पार्टी को सीधा कहाँ जाना पड़ेगा, जस्टिस के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट हर छोटी प्रॉब्लम के लिए अगर कोर्ट में जाने लगी तो हियरिंग्स के खर्चे होंगे, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, लॉयर्स के खर्चे होंगे, तो इन सब से बचाने के लिए एक बॉडी तैयार की गई है। क्या है? ओके, सरोद पोर्ट्स क्या है? सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सरोद पोर्ट्स इज सिमिलर टू प्रोविजन अवेलेबल इन हाईवे सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ सरोद रोड्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाई नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ओके, देखिए अब हमारे हाईवेज बनाने में दिक्कत क्यों आती है, जो ज़मीन संपादन, लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो काफ़ी टेढ़ा है हमारे यहाँ। हाईवे अगर पास हो रहा है और अगर आपका कोई ज़मीन, आपके नाम की कोई ज़मीन है, वो अगर उसमें जा रही है, तो आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट के जो प्राइस है, बाइंग प्राइस, उस पर आप रेडी नहीं होगे, तो आप क्या करोगे, कोर्ट में केस कर दोगे, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती मेरे पास से ज़मीन ले रही है। जब तक वो कोर्ट में केस चलता रहेगा तब तक जो हाईवे बनना था वहाँ पे, वो हाईवे का काम वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड दैट्स वाई प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, डीले हो जाएंगे जो डेवलपमेंट के काम है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर एक ऐसी बॉडी हो, एक मीडिएटर बॉडी हो, राइट, कि चलो आप अगर बोल रहे हो कि भाई 100 रुपये फुट के हिसाब से मुझे
बेचनी है, गवर्नमेंट बोल रही है 60 रुपये फुट के हिसाब से वो खरीदेगी। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में 2 साल 4 साल तक केस चलता रहेगा, क्या फैसला है क्या पता। अगर कोई मीडिएटर बोलिए, आप वहाँ जाओगे अपनी कंप्लेंट लिखवाओगे, आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ। वहाँ पे डिस्कशन करते करते ये तय हो जाएगा कि भाई 80 रुपये में दोनों पार्टीज अगर मान जाती है तो पैसा दे दिया जाएगा, लैंड अक्वायर कर ली जाएगी और डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ पे इश्यू सॉल्व नहीं होता है देन यू आर फ्री टू गो टू कोर्ट। बट कोर्ट में जाने से पहले एक बॉडी यहाँ पे बना दी गई है, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन। ओके, फंक्शन क्या होगा? सो सरोद पोर्ट्स विल एडवाइज एंड असिस्ट इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशंस इन द मैरिटाइम सेक्टर इंक्लूडिंग पोर्ट्स एंड शिपिंग सेक्टर इन मेजर पोर्ट ट्रस्ट नॉन मेजर पोर्ट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट पोर्ट्स जेटीज टर्मिनल्स एंड हार्बर्स। इट विल ऑल्सो कवर डिस्प्यूट्स बिटवीन ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्टर अथॉरिटीज़, ऑल्सो डिस्प्यूट्स बिटवीन लाइसेंस कंसेशनर एंड देयर कॉन्ट्रैक्टर्स अराइजिंग आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे जो रिड्रेसल है उसको वहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। ओके, बेनिफिट्स क्या होगा? जो मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताए वो बेनिफिट यहाँ पर लिखे हुए हैं। सरोद पोर्ट्स विल बिकम द पिवोटल मैकेनिज्म ऑफ उम्मीद विश्वास एंड न्याय इन द पोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। इट विल लीड टू सेविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंडिचर एंड टाइम। एनफोर्समेंट ऑफ कंसेशन अग्रीमेंट्स इन द लेटर एंड स्पिरिट। अ कंसेशन अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स अ कंपनी द राइट टू ऑपरेट अ स्पेसिफिक बिजनेस विद इन गवर्नमेंट्स ज्यूरिडिक्शन और ऑन अनदर फर्म्स प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर टर्म्स। तो उस पर्टिकुलर टर्म जो डिसाइड हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, उसके हिसाब से वो कंपनी इजीली वहाँ पे काम करेगी। इट विल प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द मैरिटाइम सेक्टर बिकॉज ऑफ द फास्ट टाइमली कॉस्ट इफेक्टिव एंड रोबस्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इट विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द प्राइवेट प्लेयर्स। ऑल मेजर पोर्ट्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड मॉडल। देखिए, लैंडलॉर्ड मॉडल का मतलब क्या है कि पोर्ट की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, बट पोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, जो कामकाज है वहाँ का कि वहाँ पे किस तरह से काम होगा, वो सारी चीज़ें किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी। जस्ट लाइक अवर एयरपोर्ट्स, जो 6 एयरपोर्ट्स है उसकी फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास रहेगी बट टेंडर अदानी को दे दिया गया है, उसी तरह से ये लैंडलॉर्ड मॉडल है। ओके, तो ये लैंडलॉर्ड मॉडल आप अपनी तरफ से खुद से पढ़ सकते हो जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया ने सिक्योर किया है 48th पोजीशन एंड वी आर इन टॉप 50 कंट्रीज। सो रिसेंटली द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 वॉज रिलीज्ड बाई द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज एट 48th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज। इंडिया ऑक्यूपाइड द 52nd पोजीशन इन 2019 रैंकिंग। तो देखिए, हम 4 प्लेस जंप किया है हमने एंड वी आर नाउ एट 48th पोजीशन। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, द UK एंड द नेदरलैंड्स आर द टॉप 5 कंट्रीज। विथ अ ग्रुप ऑफ एशियन इकोनॉमीज एडवांसिंग अप इन द रैंकिंग, द इंडेक्स इंडिकेट्स दैट अ ग्रेजुअल ईस्टवर्ड शिफ्ट इन द लोकस ऑफ इनोवेशन इज अंडरवे। तो आने वाले सालों में जो ईस्टर्न कंट्रीज है, जापान, इंडिया, फिलीपींस, चाइना, ये सारे कंट्रीज़ में इनोवेशन के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। उनके जो रैंकिंग है वो भी आने वाले सालों में क्या होंगे, बढ़ेंगे। इन एशियन इकोनॉमीज़ चाइना, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम हैव मेड द मोस्ट प्रोग्रेस ऑन द इंडेक्स इन रिसेंट ईयर्स विद ऑल 4 नाउ अमॉन्ग द टॉप 50। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग इनोवेशन अचीवर्स इन द सेंट्रल एंड सदर्न एशियन रीजन एंड इट हैज़ शोन अ कंसिस्टेंट एम्पावरमेंट इन इट्स इनोवेशन रैंकिंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो 2014 के बाद जब से ये नई गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी स्कीम लाना स्टार्ट किया, सो आफ्टर 2016 वी आर ऑन क्वाइट अ गुड पोजिशन एंड कंटिन्यूअसली वी आर ऑन एन इंक्रीजिंग पोजिशन। चाइना, विच इज़ द ओनली मिडल इनकम इकोनॉमी अमॉन्ग द टॉप 30, नाउ होल्ड द 14th पोजिशन। तो चाइना इज फार अहेड ऑफ अस बट वी आर स्लोली ग्रेजुअली रीचिंग अहेड।
ओके एंड दीज आर सम फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड वाइल प्रिपेयरिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफेस्टिकेशन, बिजनेस सोफेस्टिकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड की जाएगी, कंसिडर की जाएगी वेल प्रिपेयरिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ओके सो इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड मेट्रिक्स अबाउट द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ 131 कंट्रीज एंड इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड. Its 80 indicators explore a broad vision of innovation including political environment, education, infrastructure and business sophistication. It is published annually by Cornell University, INSEAD and the WIPO. तो ये तीन जो agencies हैं वो साथ में मिलकर jointly इसे बनाती है हर साल. और 2020 की थीम क्या थी, Who will finance innovation? तो ये 2020 की थीम थी जो आपको याद रखना है. दी जी आई आई 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 शेड्स लाइट ऑन दी स्टेट ऑफ इनोवेशन फिनेंसिंग बाई इन्वेस्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स एंड बाई पॉइंटिंग टू प्रोग्रेस एंड रिमेनिंग चैलेंजेस. ओके क्वाइट एन ईजी टॉपिक. जस्ट हमें याद रखना है कि इंडिया का जो रैंक था वो क्या था और इंडिया के पड़ोसियों का रैंक क्या था, ये भी आप उसमें जोड़ सकते हो. नेक्स्ट इज सोनोमुरा दौड़कांडी आइलैंड वाटरवे रूट. रिसेंटली सोनोमुरा दौड़कांडी आइलैंड वाटरवे रूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज ऑपरेशनलाइज. दौड़कांडी इज इन बांग्लादेश वाइल सोनोमुरा इज इन त्रिपुरा इंडिया. तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक वाटरवे स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है सोनोमुरा एंड दौड़कांडी रूट. दी इनलैंड वाटरवे रूट ओवर रिवर गोमती वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट्स इन मे 2020. देखिए मे 2020 में इंक्लूड किया गया और उसको स्टार्ट भी कर दिया गया ऑफिशियली. इट कनेक्ट्स त्रिपुरा विद द नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया थ्रू बांग्लादेश. तो बांग्लादेश से जितने भी शिप्स आएंगे तो वो गोमती रिवर के ज़रिए आ सकते हैं. ओके या सिटीज़न जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जा सकेंगे. बेनिफिट ऑफ द रूट क्या होगा, सो इट विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ त्रिपुरा एंड द एडजॉइनिंग स्टेट्स विथ इंडियन एंड बांग्लादेश इकोनॉमिक सेंटर्स एंड विल हेल्प द हिंटरलैंड ऑफ बोथ द कंट्रीज. इट विल ओपन अप न्यू एवेन्यूज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बोथ द कंट्रीज. प्रोटोकॉल ऑन ट्रांजिट and trade. Bangladesh and India have a long standing and time tested protocol on transit and trade through inland waterways. तो already जो system है transit के लिए उसी को यहाँ पर भी follow किया जाएगा. It provides inland waterways connectivity between the two countries particularly within the northeastern region of India and also enhance the bilateral ट्रेड. दिस प्रोटोकॉल वॉज फर्स्ट साइन इन 1972 और काफ़ी सारे इनलैंड वाटरवेज को तब से धीरे धीरे डेवलप किया गया है. इट वॉज लास्ट रिन्यूड इन फाइव ईयर्स विथ अ प्रोविजन फॉर इट्स ऑटोमेटिक रिन्यूअल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. ओके चलिए तो वो सिर्फ आपको जो दोनों प्लेसेस के नाम थे सोनोमुरा एंड दौड़कांडी, सोनोमुरा इन इंडिया, दौड़कांडी इन बांग्लादेश, ये चीज़ आपको याद रखनी है. नेक्स्ट इज हिंदी दिवस. एवरी ईयर 14th ऑफ सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस इन इंडिया. तो अभी 14 सेप्टेम्बर को हम सब ने क्या मनाया, हिंदी दिवस. और ये जो हमने मनाया दैट इज़ नेशनल हिंदी डे. ओके राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया. विश्व हिंदी दिवस अलग दिन पे मनाया जाता है, उसकी मैं बात करूँगा इन दी नेक्स्ट स्लाइड. सो चलिए पहले बात करते हैं नेशनल हिंदी डे की. हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन 14th September 1949. देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है. इंडिया डज नॉट हैव अ राष्ट्रभाषा. इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज. ओके कई बार जब हम बात करते हैं तो हमारा यह मिथ होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, बट हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है. हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ टू राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी.
ओके सो काका केलकर, मैथिली शरण गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास मेड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेक हिंदी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज. वाइल जब कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जब बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये चीज़ उन लोगों ने पुश किया था कि हिंदी शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज. उसका विरोध हुआ था फ्रॉम दी ईस्टर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स. ओके उन्होंने काफ़ी विरोध किया था, बट आफ्टर ऑल मेजॉरिटी की वजह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. बिसाइड्स हिंदी, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343. ओके तो ये दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. हिंदी इज ऑल्सो एन 8th स्केड्यूल लैंग्वेज, जो 22 भाषा है उसमें हिंदी इज ऑलरेडी एडेड. आर्टिकल 351 पर्टेन्स टू डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. ओके और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदी इज मेजर कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदी में बोलना पसंद करते हैं, एंड दैट्स वाई सारी जो स्पीचेस होती है उनकी, वो मेजरली 90% ऑफ द स्पीचेस उनकी हिंदी में रहती है. वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10th of January को. द डे कमोमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नागपुर ऑन 10th January 1975, विच सॉ 122 डेलीगेट्स फ्रॉम 30 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन इट. इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2006 by former Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh with an aim to promote Hindi language across the world. The World Hindi Secretariat building was inaugurated in Mauritius in 2019. Okay, there are so many countries, okay, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है. Trinidad and Tobago हो गया, Mauritius हो गया, Guyana हो गया, USA, UK. तो वहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे इंडियन कम्युनिटी बसती है, कनाडा हो गया, तो वहाँ पे हिंदी फंक्शंस में या लोकली भी वहाँ पे बोली जाती है. ओके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट जो न्यूज़ है, दैट इज़ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस. तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा के जो मॉनसून सेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं विद ऑल द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू COVID-19. और राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उनकी जो टर्म थी वो ख़त्म हो रही थी अप्रैल 2020 में, बट क्योंकि अप्रैल के बाद पहली बार राज्यसभा का सेशन इनफोर्स हुआ है, तो राज्यसभा के पहले दिन डेप्यूटी चेयरमैन को चुना गया. और जो सेम डेप्यूटी चेयरमैन जो पहले थे हरिवंश नारायण सिंह, जो कि याद है JDU जनता दल यूनाइटेड पार्टी से, उन्हीं को वापस रिट्रीव किया गया है. ओके एंड ही इज़ द 12th डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जिनको चुना गया है 14th September 2020 को. इससे पहले भी वही थे 9 अगस्त 2018 से 9 अप्रैल 2020. उसके पहले जो थे दैट इज़ PJ कुरियन, जो कि काफ़ी लंबे समय तक राज्यसभा के उपसभापति रहे. और राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अभी है M. वेंकैया नायडू. तो ये एक चीज़ आपको खास याद रखनी है, हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है एज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. रिसेंटली द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगेन आफ्टर सेवरल मंथ्स विच वॉज डिलेड ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक. However, the government has suspended question hour for the session and has also curtailed the zero hour. और इसका काफ़ी अपोज भी हो रहा है. क्यों question hour का अपोज हो रहा है? Because in question hour, I am sure that already you have covered this particular topic in your polity lectures. Okay? अब question hour में अलग अलग जगह से जो parliamentarian चुन के आते हैं, right? Member of parliament, वो अपनी area की तकलीफ जो है वो पूरी संसद के सामने रखेंगे. अगर आप उसको बंद कर देते हो तो जो सांसद है उसको वहाँ पे अपनी समस्या रखने का मौका नहीं मिलेगा. तो अपोजिशन का ये कहना है कि अगर आप संसद सत्र जब बुला सकते हो, जब हम 200 लोग 250 लोग इकट्ठा होके अगर एक हाउस में बैठ सकते हैं, तो क्वेश्चन आवर कंडक्ट करवाने में क्या COVID-19 की सिचुएशन आपको बीच में आ रही है? ओके और उसको देखा जा रहा है एज ए डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तो उसके लिए अभी काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है. ओके तो पार्लियामेंट सेशन क्या होगा? सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एम्पावर्ड टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम.
द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, दैट मीन्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. तो हमारे एटलीस्ट 3 बार संसद हमेशा मिलती है. अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन. These are usually 3 sessions in a year. First is budget session, that is February to May. Next is monsoon session, July to September. Winter session, that is November to December. बट देखिए, इस बार जो budget session था उसको हमें कम कर देना पड़ा था, क्योंकि मार्च से ही हमने लॉकडाउन लागू कर दिया था. तो बजट सत्र जो था उसको हमें क्या कर देना पड़ा था, कट शॉर्ट कर किया था हम लोगों ने, राइट. नेक्स्ट इज मॉनसून सेशन, भी ऑलरेडी डिले हो चुका है. देखिए, जुलाई से स्टार्ट होता है जनरली, वो अब कब से स्टार्ट हो रहा है, मिड सितंबर तक से वो स्टार्ट हो रहा है. एंड नेक्स्ट इज विंटर सेशन, नवंबर टू दिसंबर. द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन द न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस. तो जब दो हाउस के जो सेशन होंगे उसके बीच का जो पीरियड है दैट इज रिसेस, ओके, उसको रिसेस कहा जाएगा. टर्मिनेशन कैसे होगा सेशन का, सो सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय अजॉनमेंट और अजॉनमेंट साइन अडाई और प्रोरोगेशन और डिसॉल्यूशन, राइट. डिसॉल्यूशन सिर्फ लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस हाउस, राइट. और अजॉनमेंट साइन अडाई का मतलब क्या हुआ, तो जब लोकसभा या राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाता है, ओके, जैसे अप्रैल में अगर सत्र का आखिरी दिन है और सितंबर में कब मिलना है यह पता नहीं है, राइट, तो सभापति, उपसभापति या लोकसभा के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, ओके, स्पीकर क्या कहेंगे, अडजॉर्नमेंट साइन अडाई. अनिश्चित काल के लिए लोकसभा या राज्यसभा निलंबित की जाती है और जब राष्ट्रपति बुलाएंगे नेक्स्ट सेशन तब आपको वापस संसद में प्रेजेंट होना है. अडजॉर्नमेंट क्या हो गया, सो इट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स. जब संसद में काफ़ी हंगामा होता है तो स्पीकर या सभापति जो है, चेयरमैन जो है, वो 2 बजे तक या 3 बजे तक जो हाउस की कार्यवाही है, जो प्रोसीडिंग्स है, उसको क्या करते हैं, निलंबित कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, अडजॉर्न कर देते हैं, राइट. तो विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स. अडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या हो गया, सो इट मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर एन इनडिफाइन period. In other words, when the house is adjourned without naming a day for reassembly, दोबारा मिलना जब निश्चित नहीं होगा तब उसको क्या कहा जाएगा, adjournment sine die. The power of adjournment as well as adjournment sine die lies within the presiding officers. Those are speaker in case of Lok Sabha and chairman in case of राज्यसभा ऑफ द हाउस. प्रोरोगेशन क्या हो जाएगा, सो द प्रेसिडेंट इश्यूज़ अ नोटिफिकेशन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस आफ्टर द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द हाउस अडजॉर्न्ड साइन डाई. द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन. डिसॉल्यूशन, ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन. राज्यसभा बींग अ परमानेंट हाउस और कंटिन्यूस हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन. A dissolution ends the life of the existing house. A new house is constituted after general elections are held and the president is empowered to dissolve the Lok Sabha. Or there are various reasons to dissolve the Lok Sabha. But ऐसा काफ़ी कम होता है, पिछले काफ़ी सालों में ये चीज़ नहीं हुई है, ओके. सो ऑलरेडी ये जो आपका पॉलिटी का टॉपिक था वो मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर योर रिविजन मैंने यहाँ पर कवर किया है. ओके, सो दीज आर योर होमवर्क टॉपिक्स फॉर टुडे. फर्स्ट इज शिक्षक पर्व, नेक्स्ट इज़ VIP सिक्योरिटी इन इंडिया. अभी जो कंगना रनौत वाला जो इश्यू चल रहा है, तो आपको कैसी सिक्योरिटी किसकी तरफ से और किसको दी जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. प्राइम मिनिस्टर को कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी, प्रेसिडेंट को कौन सी सिक्योरिटी मिली हुई है, और कौन से VIPs है जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, वाई लेयर क्या हो गया, जेड प्लस, जेड सिक्योरिटी क्या हो गई, ये सारी चीज़ों का बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ टाइफून मयस्क और टाइफून हैशेन, ओके. तो जापान और दक्षिण कोरिया के जो रीजन है वहाँ पे ये दोनों साइक्लोन और टाइफून हमें देखने को मिले हैं, तो वो जस्ट एक बार उस पर नज़र मार लीजिए. एंड नेक्स्ट इज़ पत्रिका गेट इन जयपुर, ओके. तो जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, ओके, रिकग्निशन मिला है. उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए जयपुर सिटी काउंसिल की तरफ से वहाँ पे एक
यूनिक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है विच इज़ नोन एज पत्रिका गेट, ओके, और जिसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर ने, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो वो एक बार जस्ट छोटे से न्यूज़ है, अपडेट वो आपको देख जानी है, ओके। लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर और कोई दिक्कत है तो भी मुझे बताइए, एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिलेटेड, जस्ट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी और लीव योर कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।